हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रेस बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पोरोफिटिक फेज, एंथोसीरस का जो हमने गैमेटोफिटिक फेज देख लिया। अब उसके बाद हम देखेंगे स्पोरोफिटिक फेज। गैमेटोफिटिक फेज में हमने देखा था इंटरनल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने देखे थे एंथेरिडिया और आर्किगोनियम का डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बन गया, जो जायगोट बना वो स्पोरोफाइट बनाएगा। अब हम स्पोरोफिटिक फेज की स्टडी करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लीजिए, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। After fertilization, the diploid zygote or oospore still enlarges in size and fills the cavity of the venter of the archegonium. Fertilization हो जाने के बाद जो zygote होगा वो diploid होगा, या हम उसे oospore बोलते हैं। वो अभी भी मतलब fertilization के बाद भी अपने साइज में enlarge करेगा, बड़ा होगा, और जो venter archegonium के venter की जो cavity होगी उसको completely fill कर देगा। इट सीक्रेट्स एन आउटर सेल्युलोज वॉल, फिर ये एक आउटर सेल्युलोज वॉल सीक्रेट करेगा। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट, अब हम स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट देखेंगे। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जायगोट इज वर्टिकल, फर्स्ट डिवीजन वर्टिकल होगा जायगोट में। इन अदर ब्रायोफाइट्स द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जायगोट इज ट्रांसवर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ हॉर्नबर्ड्स। लेकिन जो बाकी के अदर जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें फर्स्ट डिवीजन होता है जायगोट में वो ट्रांसवर्स होता है, और एंथोसीरोस में वर्टिकल होता है। तो यही एक करेक्टर है जो कि डिफरेंस बताता है, शो करता है हॉर्नबर्ड्स के डेवलपमेंट में, स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट में। द सेकेंड डिवीजन इज ट्रांसवर्स एंड इज सो ओरिएंटेड दैट द अपर टू सेल्स आर यूजुअली लॉन्गर देन द लोअर टू क्वाड्रेंट स्टेज। जो सेकेंड डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्स होता है और इतना ओरिएंटेड होता है कि जो दो अपर सेल होते हैं वो लॉन्ग होते हैं जो नीचे के दो लोअर सेल्स होते हैं उनसे। अब ये स्टेज कौन सी बन जाएगी, क्वाड्रेंट स्टेज। ऑल द फोर सेल्स डिवाइड बाय वर्टिकल वॉल्स टू प्रोड्यूस एट सेल्स ऑक्टेंट स्टेज। जो चार सेल्स बन जाएंगी अब वो किससे डिवाइड करेंगी, वर्टिकल वॉल्स के थ्रू, और एक ऑक्टेंट स्टेज बना लेंगी। द एट सेल्स आर अरेंज्ड इन द टू टीयर्स ऑफ फोर सेल्स ईच। जो एट सेल्स होंगे वो अरेंज हो जाएंगे दो टीयर्स में, चार चार सेल्स की। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट वेरीज इन डिफरेंट स्पीसीज। अब इसके बाद जो आगे का डेवलपमेंट होगा स्पोरोफाइट का एट सेल स्टेज के बाद, वो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है। तो हम देखेंगे कुछ स्पीसीज का। इन एंथोसीरोस इरेक्टस द लोअर टीयर ऑफ फोर सेल्स ऑफ ऑक्टेंट स्टेज फॉर्म फुट वाइल द सीटा एंड कैप्सूल आर फॉर्म फ्रॉम अपर टीयर ऑफ फोर सेल्स। जो एंथोसीरोस इरेक्टस होता है उसमें जो लोअर टीयर होगा चार सेल्स का ऑक्टेंट स्टेज की, जो चार सेल्स होंगे उसमें लोअर टीयर बनाएगा फुट, और जो सीटा और कैप्सूल होंगे वो अपर टीयर के चार सेल्स बनाएंगे। इन मेजॉरिटी ऑफ स्पीसीज लाइक एंथोसीरोस फ्यूजीफॉर्मिस अपर टीयर ऑफ फोर सेल्स डिवाइड बाई ट्रांसवर्स डिवीजन टू फॉर्म द थ्री टीयर्स ऑफ फोर सेल्स ईच। और जो बाकी के बचे हुए ज़्यादातर स्पीसीज होती हैं जैसे कि एंथोसीरोस फ्यूजीफॉर्मिस, उनमें जो अपर टीयर होगा चार सेल्स का उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और तीन टीयर्स बना लेंगे चार चार सेल्स की। एट ऑक्टेंट स्टेज तो पहले ही थी, अब जो ऊपर का टीयर है चार सेल्स का उसने डिवीजन करके एट सेल्स बना ली और चार चार टीयर के तीन चार चार सेल्स के तीन टीयर्स बन गए। द लोअर मोस्ट टीयर फॉर्म्स द फुट, द मिडिल टीयर फॉर्म्स द मेरिस्टमैटिक जोन और इंटरमीडिएट जोन, एंड अपर मोस्ट टीयर डेवलप्स इनटू कैप्स्यूल। अब इन चार टीयर्स में से जो लोअर मोस्ट जो सबसे नीचे की टीयर होगी वो फुट बनाएगी, बीच वाली बनाएगी मेरिस्टमैटिक जोन या इंटरमीडिएट जोन, और जो सबसे ऊपर वाली टीयर होगी वो बनाएगी कैप्स्यूल। इट इज़ फॉलोड बाई पेरिक्लाइनल डिवीजन टू फॉर्म एन आउटर लेयर ऑफ एम्फीथीसियम एंड सेंट्रल मास ऑफ द सेल्स कॉल्ड एंडोथीसियम डेवलप्स इनटू स्टराइल कॉलमेला। अब ये इसके बाद ये क्या होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा और एक आउटर लेयर बन जाएगी जिसे हम एम्फीथीसियम बोलेंगे, और एक सेंट्रल मास सेल्स का बन जाएगा उसे हम बोलेंगे एंडोथीसियम। ये स्टराइल और कॉलमेला में डेवलप कर जाएगी एंडोथीसियम।
In young sporophyte, columella is made up of 4 cells, but in mature sporophyte, it is made up of 16 vertical rows of cells. जो यंग स्पोरोफाइट होते हैं उसमें कॉलोमेला बना होता है 4 सेल्स का, और मैच्योर स्पोरोफाइट में कॉलोमेला बना होता है 16 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स का. द एम्फीथीसियम डिवाइड्स बाई ए पेरिक्लाइनल डिवीजन टू डिफरेंशिएट इनटू आउटर स्टेराइल. जो एम्फीथीसियम है उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा और वो एक आउटर स्टेराइल लेयर में डिफरेंशिएट करेगी, आउटर स्टेराइल लेयर ऑफ जैकेट इनिशियल्स एंड इनर फर्टाइल इनिशियल्स. डिवीजन होके दो इनिशियल्स बन जाएंगे, जैकेट इनिशियल और फर्टाइल इनिशियल. द सेल्स ऑफ जैकेट इनिशियल्स डिवाइड बाई एंटीक्लाइनल एंड पेरिक्लाइनल डिवीजन टू फॉर्म 4 to 6 लेयर्ड कैप्सूल बॉल. जो जैकेट इनिशियल के सेल होंगे वो एंटीक्लाइनल डिवीजन से डिवाइड करेंगे, फिर पेरिक्लाइनल डिवीजन से भी डिवाइड करेंगे और बना लेंगे 4 से 6 लेयर की कैप्सूल बॉल. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द कैप्सूल बॉल इज कॉल्ड एपिडर्मिस इन विच स्टोमेटा आर प्रेजेंट. सॉरी, जो आउटर मोस्ट लेयर होगी सेल्स की कैप्सूल बॉल की उसे हम बोलेंगे एपिडर्मिस, जिसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे. द सेल्स ऑफ इनर लेयर ऑफ कैप्सूल बॉल हैव क्लोरोप्लास्ट. और जो इनर लेयर की सेल्स होंगी कैप्सूल बॉल की उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा. इन यंग स्पोरोफाइट द आर्किस्पोरियम ओवर आर्क्स द कॉलोमेला. जो यंग स्पोरोफाइट होता है उसमें जो आर्किस्पोरियम होती है वो अर्क करती है कॉलोमेला के ऊपर. द आर्किस्पोरियम में भी सिंगल लेयर इन थिकनेस थ्रू आउट इट्स फर्दर डेवलपमेंट. एग्जाम्पल एंथोसेरोस इरेक्टर्स और बिकम 2 लेयर एंथोसेरोस पर्सनाई और 2 or 4 लेयर एंथोसेरोस हेलाई. जो आर्किस्पोरियम होगी वो आगे के डेवलपमेंट में या तो थिकनेस में सिंगल लेयर बनी रह सकती है एंथोसेरोस इरेक्टर्स है इसका एग्जाम्पल, या 2 लेयर्स की बन जाएगी एंथोसेरोस पियर्सोनाई है, या फिर 2 से 4 लेयर भी हो सकती है एंथोसेरोस हेलाई. अब ये डायग्रामेटिकली शो किया गया है. स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, ये सिंगल सेल, फिर 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल, 6 सेल, ये 4 इनिशियल, सीटा इनिशियल, कैप्सूल इनिशियल, फिर ये फर्दर डेवलपमेंट होके एम्फीथीशियम एंडोथीशियम डिवीजन से बन जाएंगे और अल्टीमेटली ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बन जाएगा स्पोरोफाइट. इसमें जैकेट होगा, आर्किस्पोरियम लेयर होगी, कॉलोमेला, फुट, सीटा, ये सारे स्ट्रक्चर इसमें बन जाएंगे डिवीजन होके. ऑन मैच्योरिटी द आर्किस्पोरियम गिव्स राइज टू 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, स्पोर मदर सेल्स एंड इलेटर मदर सेल्स. जब मैच्योर हो जाएगा प्लांट तो आर्किस्पोरियम 2 सेल्स को राइज करेगी, मतलब बनाएगी, स्पोर मदर सेल और इलेटर मदर सेल. दीज सेल्स आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर वन अबव द अनदर. ये सेल्स अल्टरनेट मैनर में लग जाएंगे एक दूसरे के ऊपर. स्पोर मदर सेल्स आर स्पेरिकल और ओवल विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज न्यूक्लियाई. जो स्पोर मदर सेल्स होती हैं वो स्पेरिकल होती हैं या ओवल होती हैं, उनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है और न्यूक्लियस लार्ज होता है, बड़ा होता है. दीज सेल्स डिवाइड बाई म्यूटिक डिवीजन टू फॉर्म स्पोर टेट्राड्स. स्पोर मदर सेल स्पोर टेट्राड बनाएंगी म्यूटिक डिवीजन करके, मतलब क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा. इलेटर मदर सेल्स आर एलिप्टिकल विद स्मॉल न्यूक्लियाई. दीज सेल्स डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 4 सेल इलेटर्स. इलेटर मदर सेल्स इलेटर बनाएंगी और वो एलिप्टिकल सेल्स होती हैं, उनका शेप एलिप्टिकल होता है, न्यूक्लियस स्मॉल होता है. अब ये सेल माइटोटिकली डिवाइड करती हैं, मतलब इनमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो मेंटेन रहता है, जितना होता है उतना ही रहता है. द 4 सेल्स ऑफ इलेटर मे रिमेन अटैच्ड टू ईच अदर और मे ब्रेक इनटू 1 सेल 2 सेल 3 सेल यूनिट्स. जो 4 सेल्स होंगी इलेटर की वो अटैच रह सकती हैं एक दूसरे के साथ और या फिर ब्रेक कर सकती हैं 1 सेल या 2 सेल या 3 सेल की यूनिट्स में. दी ब्रोकन यूनिट्स आर कॉल्ड स्यूडो इलेटर्स. अब ये स्यूडो इलेटर्स क्या होते हैं, जो ब्रेक हो गए हैं जो इलेटर्स उनको हम बोलते हैं स्यूडो इलेटर्स. दी इलेटर्स आर विदाउट थिकनिंग बैंड्स एंड देयरफॉर कॉल्ड स्यूडो इलेटर्स. ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके यूनिवर्सिटी में एग्जाम होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. जो इलेटर्स जिनमें थिकनिंग्स बैंड नहीं होते हैं उन्हें स्यूडो इलेटर्स कहते हैं. बाय द एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टमेटिक जोन वेरियस टिश्यूज ऑफ द कैप्स्यूल आर कंटिन्यूस प्रोड्यूस सो दैट इट बिकम इलोंगेटेड. जो मेरिस्टमेटिक जोन होती है उसकी एक्टिविटी की वजह से बहुत सारे
टिश्यू होते हैं कैप्सूल में, वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते रहते हैं और इसकी वजह से ये एलोंगेटेड बन जाता है। द यंग स्पोरोफाइट ऑफ द एंथोसरोस इज सराउंडेड बाई ए फ्लैसी कवरिंग और शीथ, इट इज कॉल्ड इनमोलिकर। जो यंग स्पोरोफाइट होगा एंथोसरोस का, वो सराउंडेड मतलब घिरा होगा एक फ्लैसी कवरिंग से, सीट या सीट से, जिसे हम क्या कहते हैं, इन्वॉल्यूकर बोलते हैं, मतलब एक कवर जैसा स्ट्रक्चर होगा जो पूरे स्पोरोफाइट का घेरे हुए होगा, उसको इन्वॉल्यूकर बोलेंगे। इट इज डेवलप्ड पार्टली फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द आर्किगोनियम एंड पार्टली फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द गैमेटोफिटिक थैलस। ये आधा आर्किगोनियम के टिश्यूज से डेवलप होता है और आधा गैमेटोफिटिक थैलस के टिश्यूज से। तो ये हो गया आपका स्पोरोफाइट। अब स्पोरोगोनियम का स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोगोनियम। अ मैच्योर स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ ए बल्बस फुट एंड ए स्मूथ सिलेंडर इरेक्ट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड कैप्स्यूल। तो मैच्योर स्पोरोफाइट होगा उसमें बल्बस फुट होगा, स्मूथ सिलेंडर इरेक्ट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कैप्स्यूल होगा। कैप्स्यूल वेरीज इन लेंथ फ्रॉम 2 to 15 centimeters इन डिफरेंट स्पीसीज। कैप्स्यूल की लेंथ अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग हो सकती है, 2 to 15 centimeters तक हो सकती है। द स्पोरोगोनियम अपीयर्स लाइक अ ब्रिशल और हॉर्न, हेंस द स्पीसीज आर कॉल्ड हॉर्नबर्ड्स। अब इन स्पीसीज को हम हॉर्नबर्ड्स बोलते हैं इस क्लास के स्पीसीज को, क्योंकि इसमें जो स्पोरोगोनियम होती है वो एक ब्रिशल या हॉर्न की तरह हमें दिखाई देती है, इसलिए हम इनको हॉर्नबर्ड्स बोलते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर, अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे स्पोरोगोनियम का। ए मैच्योर स्पोरोगोनियम कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इंटू 3 parts, फुट हेड फुट सीटा एंड कैप्स्यूल। जो मैच्योर स्पोरोगोनियम होती है उसमें 3 parts हो सकते हैं, क्या क्या, फुट सीटा और कैप्स्यूल। अब हम इन तीनों पार्ट्स को एक एक करके देखेंगे, इनके बारे में स्टडी करेंगे। नंबर फर्स्ट, फुट। इट इज बल्बस मल्टी सेलुलर एंड मेड अप ऑफ ए मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। ये एक बल्बस मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल्स से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है और पैरेन्काइमेटस सेल्स से बना हुआ होता है। इट एक्ट्स एज होस्टोडियम एंड एब्जॉर्ब्स फूड एंड वाटर फ्रॉम द एडजॉइनिंग गैमेटोफिटिक सेल्स ऑफ द डेवलपिंग स्पोरोफाइट। ये होस्टोडियम की तरह फंक्शन करता है और फूड और वाटर एब्जॉर्ब करता है एडजॉइनिंग, मतलब जो गैमेटोफाइट होता है प्लांट जिस पे ग्रो करता है स्पोरोफाइट पेरेंट प्लांट पे, उससे ये फूड और वाटर एब्जॉर्ब करता है। सीटा, सीटा इज रिप्रेजेंटेड बाई मेरिस्टमैटिक जोन। सीटा मेरिस्टमैटिक जोन से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द कैप्स्यूल एंड कंसिस्ट ऑफ मेरिस्टमैटिक सेल्स। ये जो कैप्स्यूल होता है उसके बेस पे प्रेजेंट होता है और मेरिस्टमैटिक सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। दीज सेल्स कॉन्स्टेंटली एड न्यू सेल्स टू द कैप्स्यूल एट इट्स बेस। ये सेल्स होते हैं ये कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार ऐड करते हैं नए सेल्स कैप्स्यूल में। इसके प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टम एट द बेस इनेबल्स द कैप्स्यूल टू ग्रो फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड फॉर्म स्पोर्स। यूनिक फीचर ऑफ एंथोसरोस। जो मेरिस्टम होती है वो बेस पे प्रेजेंट होती है, वो कैप्स्यूल को इनेबल करती है ग्रो करने के लिए बहुत लंबे समय तक और स्पोर बनाने में। यही यूनिक फीचर है एंथोसरोस का। अब हम देखेंगे कैप्स्यूल के बारे में। इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो ये बहुत नीचे लिखे हैं, इन पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। कौन कौन से पार्ट्स हैं, कॉलमेला आर्किस्पोरियम कैप्स्यूल बॉल। कॉलमेला फर्स्ट, अब हम इसको डिटेल में देखेंगे। इट इज सेंट्रल स्टेराइल पैन एक्सटेंडिंग नियरली टू इट्स टिप। इट इज एंडोथीशियल इन ऑरिजिन। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट फंक्शंस एज वाटर कंडक्टिंग टिश्यू एंड आल्सो हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स। कॉलमेला है, ये सेंट्रल स्टेराइल पैन है, मतलब सेंट्रल स्टेराइल पोर्शन है, स्टेराइल मतलब फर्टाइल नहीं है। एक्सटेंडिंग नियरली टू इट्स टिप, टिप तक ये ग्रोथ करता है। ये एंडोथीशियल होता है ओरिजिन में, कैसा होता है, एंडोथीशियम से ओरिजिनेट होता है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट देता है और कैप्सूल को, और फंक्शन करता है वाटर कंडक्टिंग टिश्यू की तरह, वाटर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले टिश्यूज की तरह, और डिस्पर्सल में भी हेल्प करता है स्पोर्स की। आर्किस्पोरियम, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द कैप्सूल वॉल एंड कॉलमेला। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द वेस्ट टू द टॉप ऑफ द कैप्सूल। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द इनर लेयर ऑफ एम्फीथीसियम। आर्किस्पोरियम होता है, ये प्रेजेंट होता है
कैप्सूल बॉल और कॉलमेला के बीच में, ये बेस से टॉप तक कैप्सूल के एक्सटेंड करता है, ग्रो करता है, ये ओरिजिनेट करता है इनर लेयर, एम्फीथीसियम की इनर लेयर से। कैप्सूल बॉल इट कंसिस्ट ऑफ 4 to 6 लेयर्स ऑफ सेल्स ऑफ विच द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस विच कंसिस्ट स्टोमेटा। ईच स्टोमा कंसिस्ट ए पोर सराउंडेड बाई 2 गार्ड सेल्स। कैप्सूल बॉल होती है उसमें 4 to 6 लेयर होती है सेल्स की, जिसकी आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होती है जिसमें स्टोमेटा प्रजेंट होते हैं, और हर एक स्टोमेटा एक पोर उसमें प्रजेंट होता है जो कि 2 गार्ड सेल्स से सराउंड किया होता है, घिरा होता है। द सेल्स ऑफ इनर लेयर्स हैव इंटरसेल्युलर स्पेसेस एंड कंटेन क्लोरोप्लास्ट। जो इनर लेयर्स के सेल्स होते हैं उनमें इंटरसेल्युलर स्पेस प्रजेंट होता है, मतलब सेल्स के बीच में स्पेस प्रजेंट होता है और उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रजेंट होती है। दस द स्पोरोगोनियम इज पार्शियली सेल्फ सफिशियंट टू सिंथेसाइज इट्स ऑन ऑर्गेनिक फूड बट पार्शियली इट डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर एंड इंटरनल न्यूट्रिएंट्स। तो इसी वजह से जो स्पोरोगोनियम होती है वो सेल्फ सफिशियंट होती है अपना खाना बनाने में, वो अपना खुद खाना बना सकती है पार्शियली, और पार्शियली डिपेंड करती है गैमेटोफाइट पे वाटर और न्यूट्रिएंट की सप्लाई के लिए, मतलब न्यूट्रिएंट और वाटर की सप्लाई गैमेटोफाइट प्लांट से होगी और स्पोरोगोनियम अपना खाना तो खुद बना सकती है, ये हो गया इसका मतलब। अब जो स्पोरोगोनियम है उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर डायग्राम के थ्रू। इसमें इन्वोल्यूकर प्रेजेंट है, ये लेयर जो ये पूरा सराउंड कर रही है, घेरे हुए है, ये इन्वोल्यूकर है। मेरिस्टमेटिक रीजन है ये वाला, ये फुट और ये थैलस, नीचे की तरफ थैलस होगा। ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया मैच्योर स्पोरोगोनियम का, ये क्रॉस सेक्शन है जिसमें अंदर के सारे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। स्पोर है ये टेट्राड की फॉर्म में, ये इलेटर, ये कॉलमेला और ये स्पोर टेट्राड, ये भी पूरा सेक्शन क्रॉस सेक्शन शो किया गया है। तो यहाँ तक हमारा ये लेक्चर आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ कैप्सूल और स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर, जर्मिनेशन ऑफ स्पोर, लाइफ साइकिल ऑफ एंथ्रेसोरोस, ये सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आप नेक्स्ट लेक्चर भी ज़रूर देखें और पीछे के लेक्चर्स भी देख लें, तो जिससे कि आपकी जो भी एंथ्रेसोरोस से रिलेटेड नॉलेज है वो पूरी कंप्लीट हो जाए बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने डाउट्स भी लिख के भेजें जो कि आपके डाउट क्लियर करे जाएंगे पूरे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।